दोस्तों आज की जानकारी बेहद खास है। दोस्तों आज हम जल पिपली के बारे में बात करेंगे। जल पिपली का पौधा 15 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसकी कई शाखाएं होती है और ये बहुवर्षायु पौधा है। इस पौधे की गंध मछली के समान होती है। इसका कांड गोल, हरित, थोड़ा पीताभ और रेखांकित तथा चिकना होता है। इसके पत्र 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे और आधा सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। जल पिपली का पौधा ज़्यादातर नदी नालों, तालाब के किनारों पर और नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। ये पौधा जमीन पर फैलता है और इसे सुंदर आकार वाले गोल पुष्प होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। फूलों का आकार गोल होता है और पंखड़ी छोटी छोटी लगी होती है और इसमें जामुनी या गुलाबी रंग की छाई होती है। ये पुष्प बाद में फलों के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसके फल शुष्क तथा छोटी पिपली के समान होते हैं। इसे हिंदी में जल पिपल, पुई ओकरा और बुक्कन बूटी कहा जाता है। इसे गुजराती और मराठी में रतवेलियो कहते हैं। इसका तमिल नाम पोडुलेकी है। इस पौधे का अंग्रेजी नाम पर्पल लिपिया और वैज्ञानिक नाम लिपिया नोडिफ्लोरा है। इस पौधे की ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटका और तमिलनाडु में ये प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आयुर्वेद के अनुसार जल पिपली के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में कटु, तिक्त और कषाय होती है। इसकी प्रकृति शीतल होती है और ये लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और कफ-पित्त शामक भी होती है। इसके अलावा ये पौधा स्तंभक, कामोत्तेजक और मूत्रल होता है। इसके अलावा इस पौधे में पोटेशियम, नाइट्रेट, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें लिनोलिक नामक एक अम्ल तत्व पाया जाता है। ये पौधा हृदय रोग में फायदेमंद होता है तथा आँख और बालों के लिए भी हितकारी है। ये पौधा श्वास नलिका की सूजन मिटाता है और मूर्छाव्रण तथा ज्वर को भी दूर करता है। दोस्तों सबसे पहले इसकी ताजी पत्तियों को लाकर साफ करके पीस लें और इसका लेप बनाकर माथे पर लगाएं। इससे शीघ्र ही सिर का दर्द मिटता है। इसके अलावा इस लेप को माथे पर लगाने से नख सिर में फायदा होता है। अगर आपको दांतों में दर्द की शिकायत है तो इसकी ताजी पत्तियों को रसोन के साथ पीसकर दांतों में मले। इससे शीघ्र ही दंतशूल में फायदा होता है। दोस्तों ये श्वास रोग में भी अधिक फायदेमंद होती है। इसके लिए इसके 1 से 2 ग्राम ताजी पत्तियों का रस निकालकर 2 से 4 नग काली मिर्च के साथ चूर्ण बनाकर पिए। इससे श्वास रोग में अधिक फायदा महसूस होगा। जिन लोगों को पेशाब संबंधी समस्या रहती हो, पेशाब के समय जलन रहती हो और पेशाब खुल करना आता हो तो ऐसे में इसके 1 से 2 ग्राम पत्तियों को पीसकर जीरा के साथ मिलाकर पी जाए। इससे मूत्र संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। ये जड़ी बूटी ठंडी प्रकृति की होने से दस्त में भी फायदेमंद होती है। दस्त की समस्या में जल पिपली के साथ सारी वा को मिलाकर क्वाथ बनाएं और उसका 10 से 20 मिली की मात्रा में सेवन करें। इससे जल्द ही दस्त में फायदा होता है। जल पिपली का उपयोग अर्श और बवासीर में भी किया जाता है। इसके 1 से 3 ग्राम ताजी पत्तियों को 500 मिलीग्राम काली मिर्च के साथ पीसकर 5 ग्राम मिश्र के साथ मिलाकर छान कर पिए। इसके बाद ऊपर कोई स्निग्ध पदार्थ का सेवन करें। इस प्रयोग से अर्श की बीमारी में फायदा होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को गाय के मक्खन के साथ मिलाकर मत्स्यों पर लगाएं। इससे मत्स्य में होने वाली पीड़ा और खुजली दूर होती है। दोस्तों सुजाक यानी गोनोरिया के मरीज भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जल पिपली के ताजे पत्तों को पीछे छानकर पानी के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिए। इससे सुजाक यानी गोनोरिया में भी आपको फायदा जरूर होगा। ये जड़ी बूटी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इसके पत्तों को पीसकर दांत पर लगाने से दांत जल्दी ही खत्म होता है। अगर चेहरे पर झुर्रियां हो गई हो तो ऐसे में इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर रोजाना चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे की चमक बढ़ती है और झुर्रियां दूर होती है। दोस्तों इसके पंचांग का चूर्ण दूध के साथ मिलाकर गर्म करके छानकर ठंडा होने के बाद रोजाना पीने से रक्त पित्त मिटता है। दोस्तों इसके पंचांग का चूर्ण दूध के साथ मिलाकर गर्म करके छानकर ठंडा होने के बाद रोजाना पीने से रक्त पित्त मिटता है। इसकी पत्तियों को पीसकर कल्क बनाकर लगाने से व्रण भर जाता है और सूजन उतर जाती है। दोस्तों यह पौधा बालों के लिए काफी फायदेमंद है। तमिलनाडु में ये औषधि बालों की सबसे प्रसिद्ध औषधि है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि इस पौधे का तमिल नाम पोडुथलाई है। पोडुथलाई का अर्थ होता है बालों की रूसी को खत्म करने वाला पौधा। दोस्तों रूसी की समस्या होने पर इस पौधे की पत्तियों की एक पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाएं। इसके बाद आधा से एक घंटे बाद बालों को साफ पानी से धो लें। ऐसा लगातार 3 से 4 दिनों तक करने से बालों में से रूसी की समस्या खत्म होती है। इसके अलावा आप इसका तेल बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं।